की शुरुआत में ही हम एक लड़की को उसके क्लासरूम में देखते हैं, जिसका नाम रस्टी है। वो अपनी क्लासमेट केट को देख रहा होता है जो बेंच पर सो रही होती है। उसकी नाक से खून बह रहा होता है। रस्टी केट से इसके बारे में पूछता है, पर केट उसे कुछ नहीं बताती। क्लास के बाद रस्टी केट को किसी लड़के को किस करते हुए देखता है। उसे ये अच्छा नहीं लगता क्योंकि वो केट को पसंद करता था। फिर अगले सीन में हम रस्टी की सिस्टर सैम को देखते हैं। सैम एक बिंदास लड़की है। वो लव और शादी में विश्वास नहीं करती। बाद में सैम एक लड़की से बात कर रही होती है और उसे फ्लर्ट करती है। फिर वो उस लड़की के घर जाती है और बात करते हुए दोनों गुटरगू में लीन हो जाते हैं। अगले दिन में हम विल को देखते हैं, जो कि रस्टी और सैम का पिता है। वो अपने पड़ोसी के घर के बाहर ताक झाक कर रहा होता है। दरअसल ये पड़ोसी और कोई नहीं, विल की एक्स वाइफ एरिका थी, जो वहाँ अपने नए हस्बैंड के साथ रह रही होती है। विल विंडो से अंदर झाँक रहा होता है और मुस्कुरा रहा था। विलियम एक नॉवल राइटर है, जो खुद को और अपनी वाइफ को एक नॉवल के कैरेक्टर की तरह सोच रहा था। उसकी और उसके वाइफ की लाइफ में भी यही सब होता था, पर अब उसकी जगह उसकी वाइफ की लाइफ में उसका नया पति है। तभी एरिका का डॉगी विल पर भौंकने लगता है। एरिका का पति विल को देख लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रस्टी और विलियम किचन में खाना बना रहे होते हैं। विलियम अपनी वाइफ एरिका के लिए आज भी प्लेट और कुर्सी रखता है। तभी सैम भी वहां आ जाती है और वो तीनों खाना खाने लगते हैं। सैम तभी उन्हें बताती है कि उसकी किताब पब्लिश होने वाली है। ये सुनकर विलियम बहुत खुश होता है, क्योंकि वो खुद भी एक बड़ा राइटर है और अब उसकी बेटी की पहली किताब पब्लिश होने वाली है। ये जानकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं था। पर जब सैम बुक का नाम बताती है तो विलियम को पता लगता है कि ये वो बुक नहीं है जिसमें उसने सैम की मदद की थी और प्रूफ रीड भी किया था। इस बात से विल थोड़ा निराश हो जाता है और वहां से चला जाता है। फिर रस्टी अपनी मॉम के घर खाना खाने जाता है। वहां वो अपनी मॉम को बताता है कि सैम की बुक पब्लिश होने वाली है। तभी रस्टी का स्टेप फादर विलियम के बारे में गलत बोलने लगता है, तो रस्टी और उसमें बहस हो जाती है। एरिका उन्हें रोकती है। फिर एरिका और रस्टी किचन में जाते हैं। वहां एरिका रस्टी से सैम के बारे में पूछती है और उसकी बुक पब्लिश होने की बात जान के बहुत खुश होती है। अगले सीन में हम विल और सैम को बात करते हुए देखते हैं। सैम विल से पूछती है कि वो अब भी मॉम के लिए चेयर क्यों रखते हैं। वो विल को बताती है कि एरिका के नए हस्बैंड ने विल की रिपोर्ट कर दी है, क्योंकि वो उनकी जासूसी करते रहते हैं। अब उन्हें एरिका का पीछा छोड़ देना चाहिए। मूवी के अगले सीन में हम रस्टी और सैम को नशा करते हुए देखते हैं। सैम रस्टी से पूछती है कि क्या उसकी लाइफ में कोई लड़की है, तो रस्टी उसे केट के बारे में बताता है। फिर सैम उसे प्यार के बारे में अपनी एडवाइस देती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि रस्टी अपनी क्लास में अपनी लिखी हुई कविता सुनाता है, जिसमें वो एक एंजल के बारे में बताता है। क्लास के बाद केट रस्टी की कविता की तारीफ करती है, पर तभी केट का बॉयफ्रेंड उसे बुला लेता है। अगले सीन में विल को दिखाते हैं, जो एक किताब पढ़ रहा था। तभी वह त्रिशा आ जाती है, जो विल की दोस्त थी। वो विल को अपने घर बुलाती है। विल उसके घर जाता है और वो लोग इंटीमेट होते हैं। त्रिशा विल को फिर से थर्सडे को मिलने को कहती है और चली जाती है। नेक्स्ट सीन में विल रस्टी की जर्नल देख रहा होता है। तभी वहां रस्टी आ जाता है और विलियम पर गुस्सा होने लगता है, क्योंकि विल ने बिना पूछे उसकी नोटबुक पढ़ी थी। मूवी में आगे हम देखते हैं कि रस्टी और उसका फ्रेंड किसी पार्टी में जाते हैं। वहां केट भी होती है। वो वहां ड्रग्स ले रही होती है। केट और उसके बॉयफ्रेंड का झगड़ा हो जाता है और उसका बॉयफ्रेंड केट को धक्का देता है, जिससे केट गिर जाती है और उसे चोट लगती है। ये देखकर रस्टी को गुस्सा आ जाता है। वो केट के बॉयफ्रेंड को पीट देता है और केट को वहां से अपनी साथ ले आता है। केट रस्टी को बताती है कि वो अपने घर नहीं जा सकती, क्योंकि वो नशे में है और उसे चोट भी लगी है। इसलिए रस्टी केट को अपने घर ले आता है। वहीं दूसरी तरफ विल को एरिका का फोन आता है और वो विल से मिलने घर आती है। एरिका विल से कहती है कि सैम उसका फोन नहीं उठा रही है। उसकी बेटी उसकी माँ से बात तक नहीं कर रही। एरिका विल से लाइफ में आगे बढ़ने के लिए कह के चली जाती है। सैम एक बार में होती है। वहाँ उसे उसका क्लासमेट लू मिलता है, जो सैम को बहुत पसंद करता है। पर सैम ने कभी लू को नोटिस नहीं किया था, पर लू सैम के बारे में सब कुछ जानता है। वहीं दूसरी तरफ रस्टी केट के पैर पर दवाई लगा रहा होता है। तभी विल भी वहाँ आ जाता है और पूछता है कि केट को क्या हुआ है। रस्टी उसे सब बता देता है। तो विल केट को बताता है कि रस्टी हमेशा उसके बारे में बात करता रहता है। फिर वो वहां से चले जाते हैं। रस्टी और केट रात को बात कर रहे होते हैं, तो बातों बातों में केट पूछती है कि जो कविता रस्टी ने क्लास में सुनाई थी, उसमें जिस एंजल का जिक्र था, क्या वो केट है? तो रस्टी कहता है हाँ। इसके बाद दोनों पास आने लगते हैं और किस करते हैं। फिर केट और रस्टी अच्छे दोस्त बन जाते हैं।
अगले सीन में हम विलियम और थ्रेशा को देखते हैं, जो कि इंटीमेट होने के बाद बेड पर लेटे हुए थे। वो लोग बात कर रहे होते हैं। थ्रेशा विलियम को अपनी लाइफ में आगे बढ़ने को कह रही होती है। फिर हम लू और सैम को साथ में कॉफी पीते हुए देखते हैं। वो लोग अपनी फेवरेट नॉवल पर बात कर रहे होते हैं। फिर हम केट को देखते हैं, जो रस्टी को क्रिसमस विश करने आती है, और वहाँ दोनों पास आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। यहाँ सैम लू को मिस कर रही होती है। काफी दिनों से लू कॉलेज में भी नहीं दिख रहा था। फिर एक दिन सैम लू के घर पहुंच जाती है। वहाँ वो लू को उसकी माँ की देखभाल करते हुए देखती है। लू की मॉम बहुत बीमार थी। लू की मॉम सैम को देख लेती है। फिर अगले सीन में हम विलियम और एरिका को देखते हैं। विलियम और एरिका काफी देर तक बात करते हैं। एरिका विलियम को समझाती है कि उसे एरिका के पीछे समय बर्बाद नहीं करना चाहिए और अपनी राइटिंग पर ध्यान देना चाहिए। फिर एरिका उसे क्रिसमस विश करके वहां से चली जाती है। फिर सैम और लू उसके घर पर मिलते हैं। वो लोग काफी पी रहे होते हैं। वहां सैम को पता चलता है कि लू की माँ को ब्रेन ट्यूमर है। फिर सैम अपनी लिखी हुई किताब लू को देती है और लू भी कहता है कि वो उसकी किताब जरूर पढ़ेगा। फिर लू और सैम डेट पर जाते हैं। वहां वो लोग बात करते हैं। लू सैम से उसकी किताब के बारे में पूछता है। सैम कहती है कि उसकी माँ ने उसके डैड को चीट किया था, जिसकी वजह से उसे प्यार और शादी में विश्वास नहीं है, और अपनी नॉवल में भी वो ऐसी ही कैरेक्टर के बारे में बात करती है। फिर वो दोनों कार में बैठे हुए थे। बाहर बारिश हो रही थी और फिर वो लोग किस करते हैं। फिर लू और सैम बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं और काफी सारा समय साथ में बिताने लगते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि विलियम एक लेडी के साथ डेट पर जाता है और साथ में अच्छा वक्त बिताता है। फिर वापस लौटते समय विलियम विंडो से एरिका को देखता है और अपनी रिंग निकाल कर विंडो पर रख देता है। फिर वो देखता है कि एरिका उसकी लिखी किताब पढ़ रही होती है। फिर रिंग वापस उठा लेता है और घर आ जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि रस्टी केट को अपनी माँ के घर लेकर आता है। वहाँ वो लोग बहुत एंजॉय करते हैं। फिर अगले सीन में सैम की बुक पब्लिश होने की खुशी में पार्टी चल रही होती है। विल सबको सैम और रस्टी से मिलवाता है। वहाँ एरिका भी होती है। सैम अपनी माँ से बात नहीं कर रही होती। फिर हम देखते हैं कि रस्टी केट को ढूंढ रहा होता है। केट ड्रग्स ओवरडोज होने की वजह से बेहोश हो जाती है। वो लोग उसे बेहोशी के हालात में घर लेकर आते हैं। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि रस्टी और उसका दोस्त सुपरमार्केट में जाते हैं। वहाँ केट का एक्स बॉयफ्रेंड उन्हें देख लेता है और रस्टी को बहुत पीटता है। फिर अगले सीन में केट रस्टी को मैसेज करके बताती है कि वो रिहैब जा रही है। ये जानने के बाद रस्टी बहुत परेशान और डिस्टर्ब रहने लगता है। विल रस्टी को समझाता है कि उसे अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। फिर हम विल और सैम को बीच पर घूमते हुए देखते हैं। विल सैम को बताता है कि पहले वो उसकी मॉम को छोड़ के चला गया था, पर वो कुछ दिनों में वापस आ गया था। फिर उसकी मॉम उसे छोड़ के चली गई। ये जानकर सैम को बुरा लगता है। फिर एक दिन सैम को लू का कॉल आता है। वो सैम को बताता है कि उसकी माँ की डेथ हो गई है। ऐसे में सैम लू का बहुत साथ देती है और उसका बहुत ख्याल भी रखती है। एक दिन सैम एरिका के घर जाती है। सैम को देखकर वो बहुत खुश हो जाती है और उसे गले से लगा लेती है। फिर एक दिन जब रस्टी अपना काम कर रही होती है तो उसे कॉल आता है कि उसकी बुक पब्लिश होने वाली है। फिर थैंक्सगिविंग के दिन सब लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए खाना खा रहे होते हैं। तभी वहाँ एरिका आ जाती है और वो विलियम से माफी मांगती है और उनकी लाइफ में वापस आना चाहती है। फिर सब लोग साथ बैठकर खाना खाते हैं और मूवी यही खत्म हो जाती है।